चाइना में 19वीं एशियाई रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 18 से लेकर 28 अक्टूबर तक चली इस चैंपियनशिप में 11 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से भारत की तरफ से अंडर 19 वर्ग में पूरे देश से चुने गए 12 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी चंडीगढ़ से भी थे। चंडीगढ़ वासियों के लिए ये सबसे गौरव की बात यह थी कि शहर से चुने गए इन 2 खिलाड़ियों ने भारतीय रोलर स्केटिंग टीम में एक अहम भूमिका निभाते हुए रजत पदक जीता, जिसमें शहर के जुझार सिंह जो कि टीम के कप्तान रहे और अंश शर्मा जो कि इस टीम के गोलकीपर थे, इन दोनों ने अपना 19वीं एशियाई रोलर स्केटिंग टीम के चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। आपको बता दें कि भारतीय रोलर स्केटिंग टीम बहुत भाग्यशाली रही है क्योंकि उनके पास अंश शर्मा जैसे सक्षम गोलकीपर हैं, जिन्होंने महज छोटी सी उम्र में ही रोलर स्केटिंग शुरू कर दी थी। अंश शर्मा ने 2011 में ICSE इंटर स्कूल चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था और अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हुए बड़ी तेजी से पदक तालिका में भारत में शीर्ष राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल किए। आपको बता दें अंश शर्मा और जुझार सिंह जो कि टीम के कप्तान थे, दोनों ने 19वीं एशियाई रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोनों ने भारत के लिए रजत पदक जीता और देश के साथ साथ चंडीगढ़ का नाम भी रोशन किया। क्या कुछ कहेंगे, जीत का श्रेय किसको देंगे? मैं तो पूरी टीम को ही प्रमोट करूंगा क्योंकि पूरी टीम 12 जनों की हमारी टीम जाती है और सबका ही इक्वल सपोर्ट रहता है। बाकी हमारे कोच है हरप्रीत सर, जिनके अंडर हम गाइडेंस लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट की, फैमिली ने बहुत सपोर्ट की, रिलेटिव्स ने बहुत सपोर्ट की, बाकी तो आश्चर्य तो मैं सबको ही दूंगा। तो और किस गेम्स में, बस रोलर इसमें स्केटिंग में? शुरू से जब मैं 3 साल का था तब से स्केटिंग कर रहा हूँ, पिछले 8 साल से मैं हॉकी खेल रहा हूँ, रोलर हॉकी, और वैसे क्रिकेट और फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट है। प्रैक्टिस वगैरह कहाँ पे करते हैं? प्रैक्टिस में 7 सेक्टर KBDAV। भारत की टीम में वहाँ से पंजाब में संगरूर और पटियाला में से, और तमिलनाडु तेलंगाना से काफ़ी बच्चे थे, और चंडीगढ़ से हम 2 गए थे। 12 खिलाड़ियों में से आप 2 सिलेक्ट हुए? हम 2 सिलेक्ट हुए थे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत प्राउड वाली बात थी कि चंडीगढ़ से हम सिर्फ 2 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। उसमें पूरी टीम का सपोर्ट था, हमारी टीम ने योगदान दिया अपना। अंश शर्मा हमारे गोलकीपर थे उसमें, मैं जैसे उसमें फॉरवर्ड प्लेयर था, साथ में और भी बच्चे थे उस कंपटीशन में, चैंपियनशिप में। तो क्या किसको श्रेय देंगे जीत का? कोच आपका सपना क्या है? और सपना आगे वर्ल्ड में जाके खेलने का है। लाउडली बोलो। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।